इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सुरंग में फंसे मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। 41 मजदूर 13 दिनों से सुरंग में फंसे हुए हैं। उन्हें उम्मीद है कि उन्हें आज सुरंग से निकाला जा सकता है। रेस्क्यू ऑपरेशन अंतिम चरण में है। सुरंग में पाइप डालने का काम करीब करीब पूरा हो चुका है। ड्रिलिंग का काम पूरा होने के बाद एनडीआरएफ की 15 सदस्य टीम हेलमेट, ऑक्सीजन सिलेंडर और गैस कटर के साथ 2.5 फीट चौड़े पाइप के जरिए मजदूरों तक पहुंचेगी। इसके बाद सुरंग में फंसे लोगों को बाहर के हालात और मौसम के बारे में जानकारी दी जाएगी। सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा तो फिर एनडीआरएफ के जवान पहिए लगे स्ट्रेचर की मदद से मजदूरों को धीरे धीरे बाहर निकालने का काम शुरू कर देंगे। तो दो तस्वीरों के जरिए आप समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से अब ये युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन अपने आखिरी दौर में है। उम्मीद यही जताई जा रही है कि जल्द से जल्द इन मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। वही दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि रेगुलर खाने पीने का सामान पाइप के जरिए मजदूरों तक पहुंचाया जा रहा है। खाने के लिए खिचड़ी हो, दूध हो, ऐसे तमाम चीजें जो है वो मजदूरों को दी जा रही है। लेकिन इस बीच बेहद अंतिम चरण में यानी कि बेहद करीब अब जो है ये रेस्क्यू ऑपरेशन पहुंच चुका है, मजदूरों के बेहद करीब है और माना ये जा रहा है कि जल्द से जल्द उत्तरकाशी से ये खुशखबरी आएगी, क्योंकि 13 दिन हो चुके हैं मजदूर अंदर फंसे हुए।